काफी सारी जाम यहाँ पे। और ये हमने अभी घर के लिए तोड़ लिए जाम पक्की पक्की। इसको दबाने पे देखो ये पूरी दब रही है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पकी है। और ये वाली थोड़ी सी कच्ची है, हल्की हल्की, वो पक जाएंगी एक दिन में। एक दिन में तो खा नहीं सकते, इसलिए अगले दिन के लिए भी एक। और ये जाम की खासियत बात है कि लाल जाम है, और ये गर्मी में सफ़ेद रहती है और ठंडी में बहुत लाल, और ठंडी में लगभग इतनी इतनी बड़ी हो जाती है ये जाम। हाँ ठंडी में बड़ी होती है ना, पिछली बार आया था तो ठंडी में ये काफ़ी बड़ी हो जाती है ना। ये जाम अक्सर गर्मियों में नहीं फलती, हाइब्रिड है इसलिए फल रही है। तो ये हाइब्रिड जाम है दोस्तों, और ये गर्मियों में छोटी हो जाती है और ठंडी के दिनों में इसका साइज कम से कम इतना बड़ा तो हो जाएगा। चलो अब चलते हैं ना। अब वाली जाम का भी टेस्ट करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। हाँ। वाली जाम बहुत ज्यादा मीठी है। कौन सी, जो देसी जाम? देसी जाम है वो, बड़ी भी होती है वो भी फली है क्या अभी? वो ठंडी में भी बड़ी होती है और गर्मी में भी बड़ी होती है, दोनों इसमें बड़ी होती है। वो फली भी है, वो नीचे नीचे की कच्ची, क्योंकि नीचे की हर कोई तोड़ के खा लेता है, ऊपर में जो झाड़ गया है तो ऊपर से जाके तोड़ना पड़ेगा, ऊपर की बहुत पकी है। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर तोड़ने के लिए। एक मिनट, बात बताना चाहेंगे। हमने ये हाइब्रिड वाला अचार का आम लगाए थे, अचार के लिए स्पेशल ये आम लगाए थे हमने हाइब्रिड वाला। इसमें सबसे ज़्यादा फले थे, इसमें कम से कम 30 आम फले थे। ये अचार का आम है, स्पेशल अचार के लिए लगाए थे। और ये गाय है क्या आपकी इधर? और वाला स्पेशल खाने के लिए, वो बहुत मीठा आम है, ऑरेंज कलर का होता है वो। सेंद्रीय आम? नहीं सेंद्रीय नहीं है वो, इधर रॉकी भोंक रहा है ना। तो दादू चला गया है उधर से, ऊपर से जाम तोड़ने के लिए। ये रहा देसी जाम का पेड़। रॉकी को देख लेते हैं। ये रॉकी है। रॉकी बहुत चिल्ला रहा है क्योंकि वो दादू ऊपर चढ़ा है, और रॉकी को लग रहा है कि बंदर है ऊपर। ये भी दो जाम मिल गई है, आसानी से टूट भी गई है। हम अभी इधर आ चुके हैं। दीदी काफी मजे करते हुए जाम के। एक मिनट थोड़ा फोकस कर देता हूँ। ये हमें एक और जाम की प्राप्ति हुई, और एक जाम हमें दिख रही है। ये बहुत बड़ी जाम हुई और ये अच्छी पक गई है। ओ काफी अच्छी जाम मिली है। और जाम तो नहीं है ऊपर, क्योंकि ऊपर की हमने कुछ दिन पहले ही तोड़े थे। टूटने पर जाम कम से कम 15 जाम तोड़े थे। दीदी की अब तक जाम खत्म नहीं हुई है। दादू भैया हो गया, अब आप नीचे आ जाइए। हम अभी नीचे आ रहे हैं और जाम कैच करने का प्रयास करें। ठीक है मैं करता हूँ। ओहो ये जाम मैंने कैच कर लिया है यहाँ से। दूसरी जाम लीजिए। हाँ वाह क्या कैच कर रहा हूँ ना मैं अभी। अरे यार शिट वो रह गई, गिर गई वो जाम। अभी हम नीचे आ रहे। एक जाम यहीं कहीं गिरी है।
आराम से। कहाँ गिर गई है जाम? अच्छा इधर गिर गई, जो कैच मेरा मिस हो गया था वो वाली जाम है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फूल लगे हैं, लेकिन गर्मी का सीजन होने की वजह से सारे ही पेड़ थोड़ा रूखे सूखे तरह से दिखाई दे रहे हैं मुझे। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। जाम का है पूरे, है ना? हाँ, मेरे जेब में। हमें चार जाम की प्राप्ति हुई। दादू भैया ये क्या पान का पेड़ है क्या? हाँ ये वे पान का पेड़ है शायद से। नहीं ये पान का नहीं है, पान के पेड़ उधर है, ये इधर बेला लगा है पान के। बंगला पान है ये देखिए। अच्छा हाँ ये है बंगला पान है ना? और इधर भी ये बहुत सारा, ये इधर फैला हुआ है पूरी जगह। ये थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ। अच्छा ये रहा बंगला पान। और तो फ्रेंड्स ये बंगला पान है, इधर कुछ ज्यादा है उधर फैला हुआ है। ये बंगला का पान यहाँ पे काफी फैला हुआ है। पर गर्मी की वजह से ये थोड़ा कम है ना अभी। और ये पपीता। पपीता कौन सी? देसी? देसी अपने आप उगी वाली। ये लगाया नहीं, लगाया गया था कि ऐसी उग गई थी? अपने आप उग गया। ये बहुत सारा पेड़ टूट भी गया अभी हवा तूफान में, उसके वजह से यहाँ के पेड़ों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा अनार का पेड़ हुआ करता था, वो भी टूट गया, उसके कारण बहुत ज्यादा हवा तूफान आया था। ये भी यहाँ से देखिए यहाँ से टूट चुका है, तो हमने इसकी अच्छे से छटिंग कर दी है पूरा। यहाँ से है ना ये मंडा भी उखड़ गया था लगभग, ये पूरा हवा तूफान में सब कुछ टूट गया था यहाँ पे। इधर हमारे एक गोडाउन बनने का काम कार्यक्रम चालू है। इधर गोडाउन बन रहा है सीमेंट के लिए? हाँ नहीं दुकान टाइप का बन रहा, काउंटर रहेगा एक। अच्छा और ये एक और पपीता अपने आप उग चुकी है, देखिए ये भी देसी पपीता है ना? फूल आ रहा है, काफी फूल लगा हुआ है इसमें तो। और नींबू भी बहुत फले हैं। नींबू देसी वाला है या हाइब्रिड वाला है? ये हाइब्रिड नींबू। अभी भी नींबू लगे हैं इसमें। और ये ड्रिप के लिए पाइप है, ये पेड़ों को पानी देता है उधर से। अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड यहाँ से पाइप गया है, पेड़ों को अपने आप पानी जाता है उधर। उधर जो भी पेड़ लगे हैं उधर अपने आप पानी जाता है, ये ड्रिप सिस्टम अंडरग्राउंड है। ये दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ से बाहर निकला हुआ है फिर अंडरग्राउंड चले गए वो। जसवंत का देसी फूल, फिर भी गर्मी की वजह से अभी काफी कम पेड़ है ना। बारहमासी लहसुन प्याज जो भी बोलते हैं इसको, हर महीने फली रहती है ना ये बारहमासी लहसुन? हाँ हर महीने पत्ती निकली रहती है उसकी। और वो भुट्टे का भी पेड़ उग गया अपने आप। और वो एक और पपीता का पेड़ जिसमें बहुत सारी पपीता फल रही है, ये हाइब्रिड है क्या? नहीं ये भी अपने आप उगा वाला, कम हाइट में काफी उसमें फल लग गया है ना। और कल ही हमने एक पपीता का पेड़ काटे थे अपने हाथों से, क्योंकि बहुत सारे टाइप के पपीता के पेड़ हो चुके हैं हमारे घर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।